नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 से 20 अप्रैल तक करेंगे गुजरात का दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। वहीं सांप्रदायिक घटनाओं के बीच सोनिया गांधी का बयान, देश में फैलाया जा रहा नफरत का वायरस, प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल। कीमतों में तेजी से पेट्रोल और डीजल की घटी मांग, अप्रैल से अब तक 10% तक गिरी बिक्री। वहीं सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा ने रचा इतिहास, अनुराग ठाकुर का बयान, संसाधन से नहीं साधना से काम हुआ सफल। वहीं देश में एक बार फिर से बढ़ रहा कोरोना वायरस का प्रकोप, इलाज के लिए 513 रुपए में ईएमआई पर लोन दे रहा स्टेट बैंक। वहीं रूस ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अपने देश में एंट्री पर लगाया बैन, रूस पर यूके के एक्शन के बाद की बड़ी कार्यवाही। यूपी में नवंबर में हो सकते हैं निकाय चुनाव, यूपी एमएलसी इलेक्शन के बाद सीएम योगी का होगा दूसरा बड़ा टेस्ट। गुजरात के मोरबी में 108 फीट ऊंची मूर्ति का हुआ अनावरण, प्रधानमंत्री मोदी का बयान, बोले हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अहम सूत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम के गुयेन फू ट्रोंग से की दक्षिणी चीन सागर के हालात पर चर्चा, यूक्रेन समेत अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी हुई बात। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में हुआ बदलाव, अगले साल से पहले की तरह एक बार होंगे 10वीं और 12वीं के एग्जाम। वहीं देश की नौसेना की बड़ी ताकत समंदर में दुश्मनों को दहलाएगी, पनडुब्बी वागशीर 20 अप्रैल को होगी लॉन्च। अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों के वाहनों पर लगेंगे ट्रैकिंग चिप, तय समय के बाद आने जाने पर लगेगी रोक, उच्च स्तरीय बैठक में बनी रणनीति। वहीं पंजाब में 1 जुलाई से हर माह मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। एयर इंडिया के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, पुरानी सैलरी फिर से मिलेगी, एलायंस एयर ने अलग उड़ान की शुरू। वहीं सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा हुई सख्त, 2 बार सेंधमारी के बाद जागी बिहार पुलिस, एसएसजी के 50 नए जवान तैनात। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने राम पर उठाए सवाल, कहा वे भगवान नहीं सिर्फ रामायण के पात्र। देश के दुश्मनों पर फिर से गरजे राजनाथ सिंह, कहा जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, अमेरिकी यात्रा को भी बताया सफल। देश में गहराया बिजली का संकट, संयंत्रों के पास बस 8 दिन का कोयला बचा, 10 सालों में सबसे कम आंकड़ा, 12 राज्यों में बिजली कटौती शुरू। वहीं शिवपाल यादव समर्थकों के साथ बीजेपी में होंगे शामिल, जेपी नड्डा की मौजूदगी में लेंगे सदस्यता। भारत में बन रही वार्म वैक्सीन, डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ होगी कारगर। भ्रष्टाचार के मामले में बंगाल स्कूल सेवा आयोग के भर्ती घोटाले की अब ईडी भी करेगा जांच, मनी लॉन्ड्रिंग होने की भी आशंका। वहीं मुलायम की बहू अर्पणा यादव का सपा पर हमला, कहा जो सन्यासी को मठ भेज रहे थे उन पर अब बजाएंगे लठ। प्रशांत किशोर के बड़े ऐलान की तैयारी, सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद में हुई बैठक, कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे मौजूद। हनुमान जन्मोत्सव में केट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग, देश भर में हुए 1.5 लाख से अधिक के कार्यक्रम। वहीं राज ठाकरे को पीएफआई ने दी चेतावनी, कहा लाउड स्पीकर को छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। देश में उपचुनाव में बंगाल में बाबुल और शत्रुघ्न की बड़ी जीत, बिहार में आरजेडी का परचम, भाजपा रही खाली हाथ।
वहीं केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, भाजपा ने लगाया पीएफआई के सहयोगी दल पर हमले का आरोप। लाउडस्पीकर विवाद पर जयंत पाटिल का बयान, माहौल खराब करने की हो रही कोशिश, राज ठाकरे के बाद जल्द सामने आएंगे ओवैसी। वहीं समाजवादी पार्टी का टूटना तय, शिवपाल यादव के करीबी सपा नेता सुखराम की भी पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज। कर्नाटक में ठेकेदार की कथित आत्महत्या मामले में सीएम बम्बई ने हस्तक्षेप से किया इनकार, कहा कांग्रेस वकील और जज खुद ही बनना चाहती है। महाराष्ट्र में मनसे ने दी शिवसेना नेता संजय रावत को चेतावनी, कहा अपना लाउड स्पीकर बंद करें। गोवा में सीएम सावंत की दो टूक, कहा धर्मांतरण हमारी सरकार को मंजूर नहीं, लोगों से सतर्क रहने की अपील। अब होगा बड़ा शोध, लॉकडाउन में भारतीयों में मोटापे का पता लगाएंगे, 36 राज्यों से जुटाए जाएंगे आंकड़े। खरगोन हिंसा के बाद कांग्रेस नेता खुर्शीद का बयान, मुसलमान हमेशा की तरह देश के लिए अपनी जान दे देंगे, बंद करो फूट डालो राज करो की नीति। श्रीलंका में आर्थिक संकट और गहराया, अगले सप्ताह शेयर बाजार बंद रखने का हुआ ऐलान। वहीं 4 साल बाद होगा आईपीएल में क्लोजिंग सेरेमनी का कार्यक्रम, बीसीसीआई ने जारी किया टेंडर। महाराष्ट्र में बिजली का संकट, ऊर्जा मंत्री का बयान, कुछ प्लांट में बचा है केवल 1.5 दिन का कोयला, केंद्र सरकार करे मदद। वहीं देशभर में आज से 1 लाख वेलनेस केंद्रों पर ई संजीवनी सुविधा की हुई शुरुआत, अब तक देशभर में 1,17,440 आयुष्मान केंद्र हुए शुरू। वहीं वैश्विक बाजारों में गेहूं की कमी, पीयूष गोयल का बयान, मिस्र ने भारत को आपूर्तिकर्ता के रूप में दी मंजूरी। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच हिमाचल में भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, 80% तक होटल बुक, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। पीएनबी घोटाले का मामला, भगुड़े मेहुल चौकसी पर हुई कार्यवाही, आयकर विभाग ने 9 एकड़ जमीन की जब्त। वहीं एक्शन में कांग्रेस, डिजिटल सदस्यता अभियान में जुड़े 2.6 करोड़ नए सदस्य, सोनिया गांधी ने भी खुद को नामांकित किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज, सीएम भूपेश बघेल ने शुरू की चुनाव की तैयारी। वहीं समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका, अखिलेश यादव के करीबी पूर्व मंत्री इरशाद खान ने दिया इस्तीफा, बोले मुसलमानों की अनदेखी हुई। प्रयागराज में 5 लोगों की मौत के मामले में नया मोड़, कमरे से मिला सुसाइड नोट, 11 लोगों को ठहराया गया जिम्मेदार। वहीं दिल्ली में उपमुख्यमंत्री की हिदायत, संक्रमित मिलने पर पूरा स्कूल नहीं बल्कि अस्थायी रूप से बंद होगा निश्चित हिस्सा। दिल्ली में शॉपिंग वेबसाइट के प्रमोशन के नाम पर 700 लोगों से करोड़ों ठगे, फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 2 मालिक और 6 युवतियां भी गिरफ्तार। वहीं हिमाचल में महंगा हुआ हेलीटैक्स का सफर, चंडीगढ़ से धर्मशाला ₹336, चंडीगढ़ से कुल्लू का ₹320 तक बढ़ा किराया। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी मुस्लिम कमेटी, कहा चुनकर की जा रही तोड़फोड़ की कार्यवाही। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की ने किया दावा, कहा रूस के सैन्य अभियान के दौरान करीब 3,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा सरकार दंगाइयों से करेगी नुकसान की भरपाई। राजा परवेज अशरफ बने पाकिस्तान नेशनल असेंबली के नए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कासिम खान ने भी दिया इस्तीफा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।